स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मार्केट ज्ञान में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल के आ रही हैं, जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। यहां पे इनके CEO की तरफ से बहुत बड़े बड़े बयान निकल के आए हैं और क्या एक बहुत बड़ा एक्विजिशन हाल फिलहाल में यहां पे यस बैंक की तरफ से देखने को मिल सकता है या फिर नहीं, इन सारी चीज़ों पर भी हम यहां पे पूरी तरीके से नज़र डालने वाले हैं और देखेंगे कि आखिर जो यस बैंक है वो कहां तक जा सकता है और टारगेट्स वगैरह क्या कुछ निकल के आ रहे हैं। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए, सो डैट आपको सारी चीज़ों की क्लैरिटी जो है अच्छे से मिल जाए। और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे आज के दिन के ओवरऑल मार्केट सिनेरियो के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सेंसेक्स में आज गजब की तेजी देखने को मिली और आज इसने ऑल टाइम हाई भी टच किया, यानी कि सेंसेक्स करीबन 219 पॉइंट, निफ्टी करीबन 45-46 पॉइंट, निफ्टी बैंक करीबन 113 पॉइंट और निफ्टी मिड कैप में करीबन 310-315 पॉइंट का जो है वो अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला। यानी कि एक अच्छा खासा मूवमेंट आज के दिन ओवरऑल मार्केट में आपको यहाँ पर देखने को मिला है। वहीं अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे स्टॉक्स भी निकल के आए जिनमें आज के दिन गजब की तेजी बनी, जैसे कि पिरामल एंटरप्राइजेस 13%, विजया डायग्नोस्टिक, श्रीराम फाइनेंस, एथर इंडिया 9% से लेकर 12.5% तक की तेजी दिखाते हुए नजर आए, आज के दिन के टॉप गेनर रहे हैं। वहीं एप्टस वैल्यू, मजगांव डॉक, होम फर्स्ट फाइनेंस, जुबिलेंट फार्मा, अगर आप देखोगे 5% से लेकर 8.5% तक की गिरावट दिखाते हुए नजर आए और आज के दिन के टॉप लूजर की लिस्ट में आपको ये देखने को मिले हैं। अब इसी बीच आज के दिन जो यस बैंक का सिनेरियो है वो कैसा रहा है, तो अभी मार्केट क्लोजिंग में करीबन 10-15 मिनट बाकी हैं, तब तक ₹16.25 पर ट्रेड कर रहा है और वहाँ पे अगर आप देखोगे एट पार जैसा सिनेरियो है। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखते हो तो एक चीज़ आपको समझ में आ रही है कि काफ़ी टाइम से शेयर में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आ पा रहा है। ओपन भी आज इतने पे ही हुआ था ₹16.25 पर, हाई भी ₹16.35 तक ही गया और लो भी ₹16.15 तक ही गया, यानी कि कोई बहुत बड़ा मूवमेंट हाल फिलहाल में तो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो केवल 4% के आसपास के रिटर्न्स बन रहे हैं, यानी कि कोई बहुत बड़ा मूवमेंट जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कुछ देखने को नहीं मिला है। पिछले 6 महीने में भी अगर आप यहाँ पर देखते हो तो 18% के नेगेटिव रिटर्न्स नज़र आ रहे हैं। एक साल में भी चीज़ें आपको ख़राब होती हुई नज़र ही आ रही हैं, यानी कि ओवरऑल चीज़ें जो हैं अगर हम वैसे देखें रिटर्न्स के टर्म्स में तो अच्छी नहीं है, लेकिन जो चीज़ें अंदर चल रही हैं वो थोड़ी बहुत यहाँ पर आपको सही नज़र आती हैं। सबसे पहली अपडेट पर लेकर चलता हूँ, उसके बाद एक्विजिशन के बारे में बात करेंगे। आप यहाँ पे देखो तो इन्होंने, इनके जो CEO है मिस्टर प्रशांत कुमार, उनकी तरफ से एक बयान निकल गया है। उन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2024 रहने वाला है वो यस बैंक के लिए अपनी कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करने का साल रहने वाला है और यहाँ से हम बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे और इतनी सारी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे कि यस बैंक जो है वो अपनी पुरानी इमेज जो एक हायर साइड पे थी वो रीगेन कर सकती है। अब ये जो इंटरव्यू हुआ है वो बिजनेस लाइन के साथ हुआ है, इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ों पर बयान दिया है। अब इन्होंने यहाँ पे बोला है कि हम एक्विजिशंस भी करेंगे यहाँ पे, जो भी हमारे प्रोडक्ट गैप्स हैं उसको कम करने के लिए, और यहाँ पे हम कॉरपोरेट लैंडिंग स्पेस भी क्रिएट कर रहे हैं, सो डैट यहाँ से जो यस बैंक का पोस्ट रिकन्स्ट्रक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा सही रहे और चीज़ें जो हैं वो पहले के कंपेरिजन में और ज़्यादा अच्छे से होते हुए नज़र आए। यानी कि इन्होंने अपने ओवरऑल यहाँ पे इंटरव्यू में काफ़ी बड़ी बड़ी बातें बोली हैं, जिसकी वजह से लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ बहुत बड़े जो स्टेप्स हैं वो लिए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि बहुत सारी अगर आप देखोगे तो इनकी तरफ से मीटिंग्स हो रही हैं, तो वहां भी कुछ ना कुछ डिसीजंस आ सकते हैं। एक और न्यूज निकल के आई थी, जैसे कि आप यहां पे देखो कि यस बैंक जो है वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी में पे जो है वो कर सकती है बड़े एक्विजिशंस, यानी कि जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं उनको एक्वायर कर सकती है, यस बैंक में मिला सकती है। इससे इनकी जो सेक्टर लोन टारगेट है या फिर जो हाई यील्डिंग पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट करना है वो सारी प्रायोरिटीज जो है वो मीटअप हो सकती हैं।
आगे आप इस पे पढ़ पाओगे कि विद द माइक्रो फाइनेंस स्पेस रिबाउंडिंग फ्रॉम एसेट क्वालिटी इश्यूज एंड पोस्टिंग हेल्दी ग्रोथ सिंस मिड फाइनेंशियल ईयर 2022, यानी कि यहाँ पे जो माइक्रो फाइनेंस स्पेस है उससे यहाँ पे इनकी जो एसेट क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होगी और जो हेल्दी ग्रोथ है वो भी ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है वो दिखा रहे हैं, तो बैंक इनको भी अच्छे से ट्रैक कर रही है। आगे अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं कि इनके जो MD और CEO हैं इन्होंने बोला है कि बैंक यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस स्टार्ट कर चुकी है, कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं जो कि माइक्रो फाइनेंस स्पेस में, उनमें इन्होंने स्टार्ट कर दिया है और यहाँ से वो इन सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में कि किन कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं और जुड़ के यहाँ पे जो यस बैंक है उसको बेनिफिट हो सकता है। इन्होंने बोला है कि हम जो MFIs हैं यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बिजनेस जो है वो यहाँ पे दो प्रॉब्लम एक ही बारी में सॉल्व कर सकता है, यानी कि जो स्पेसिफिक प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसको PSL रिक्वायरमेंट बोलते हैं वो सॉल्व होते हुए नजर आ सकता है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो हाई यील्डिंग एसिड बुक है उनमें एंट्री हो सकती है, तो यहाँ से दो चीज़ों का फायदा इन एक्विजिशन से आपको देखने को मिल सकता है। इन्होंने बोला है कि एक सब कैटेगरी भी होती है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की, जो कि अभी जो हमारे टारगेट है वो मीट तो नहीं कर रहे हैं लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है हम इन सारी चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं। आगे इस न्यूज़ को अगर आप कंटिन्यू करते हो तो इन्होंने बोला है कि जो MFIs लोन्स होते हैं वो अनसिक्योर्ड कैटेगरी के लोन्स होते हैं और इन पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होती है वो 17% से 24% के आसपास होती है, जिसकी अगर हम ग्रॉस यील्ड देखें तो करीबन 12% के आसपास है। तो बैंक के हिसाब से अगर आप देखो तो जो यहाँ पे इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो सिग्निफिकेंट रह सकता है। साथ के साथ जो RBL बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, इनका जो MFI लोन्स में एक्सपोजर है वो करीबन 8-10 है, जो कि इनको कॉन्स्टेंटली आउट परफॉर्म करने में हेल्प कर रहा है। अब यहाँ से जब इन्होंने देखा है कि और बैंक जो हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं कैसा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ से चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं कि यस बैंक भी बहुत ही जल्दी इन सारी MFIs के साथ अपना टाई अप कर सकता है और आने वाले टाइम में इन सारी चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकता है। पूरी रिपोर्ट तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे पढ़ ही पा रहे हो कि मैंने मेंशन तो कर ही दी है, बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक चीज़ जरूर पता चलती है कि जो इनके CEO हैं, मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था एक वीडियो में कि क्या यहाँ पे इनके CEO को बने रहना चाहिए या फिर यहाँ पे इनको रिज़ाइन देना चाहिए, तो मेजॉरिटी जो बोर्ड्स आए थे वो उन्होंने सब ने यही बोला था कि यहाँ पे इनको बने रहना चाहिए, ये बहुत सही काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अभी भी इनकी जो स्ट्रैटेजीज़ वगैरह हैं वो ठीक काम कर रही हैं। इवन आपको शेयर में ज़रूर मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में इनकी ओवरऑल जो फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स हैं वो इम्प्रूव होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे आपको सारी चीज़ों को कवर करके इस वीडियो में बता दिया, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।